तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में मैं बात करने जा रहा हूँ वीवी मैक्रो प्रोग्रामिंग के सी टैलिंग पे। हमने इससे पहले की क्लासेस में हमने आपके साथ बातचीत की थी कि किस तरीके से हम सीट्स को हैंडल करते हैं। अब सीट्स में ही आगे बढ़ते हैं, तो एक बार मैं ओवरव्यू करता हूँ कि कल मैंने क्या सिखाया था आपको। कल मैंने सिखाया था सीट की कॉलिंग मेथड, तो सीट को कैसे कॉल किया जाता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि सीट को कॉल करने का है उसका प्रॉपर्टी नेम सीट वन डॉट सेलेक्ट या सीट्स, इसके अंदर आप सीट का नेम दे दीजिए सीट वन डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट, दोनों दे सकते हैं, या फिर सीट्स वन सीक्वेंस नंबर डॉट सेलेक्ट, और एक्टिव सीट तो था ही, जो एक्टिव सीट होता है सीट की कॉलिंग मेथड थी। फिर उसके बाद हम बता किए थे कि सीट को कैसे सीट हम ऐड कर सकते हैं। हमने बोला था सीट्स डॉट ऐड, एक नई सीट ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमने बताया था आपको कि एक्टिव वर्क बुक नहीं एक्टिव सीट होगा ना, एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू आप उसको कैसे रिनेम कर सकते हैं। ये आपको पता है कि सीट्स ऐड करके नेम करना है, तो इसी पे हम डॉट नेम कर देंगे इक्वल डेटा सीट का, सीट का ऑलरेडी डेटा नेम का ही सीट आएगा। ओके, फिर हम बात किए थे सीट डिलीट की। हमने बताया था कि हम सीट डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे हमने सीट वन डिलीट लिखा क्योंकि हम चारों में से कोई एक ले सकते हैं, चारों में से कोई एक दे सकते हैं एज पर सिचुएशन। ओके, एप्लीकेशन डिस्प्ले अलर्ट बताया था कि फॉल्स कर दे क्योंकि जब भी आप डिलीट करते हैं तो एक पॉपअप आ जाता है, तो उस पॉपअप को इग्नोर करेंगे। क्लास में डिस्कस किए थे। हम बात करते हैं कि किसी सीट को मूव या कॉपी कैसे करते हैं। किसी सीट को कॉपी करना है, मान लीजिए राइट क्लिक करके हम कॉपी करते हैं, मूव एंड कॉपी, कॉपी किए तो कॉपी होता है, या मूव करना जहां से मूव कर सकते हैं, राइट। उसके लिए आपको यहाँ पे सीट वन डॉट कॉपी, अगर मैं सीट वन डॉट कॉपी कर दिया तो एक नई सीट पे कर देता है कॉपी, मतलब कि क्या करेगा, राइट क्लिक करेगा मूव कॉपी में क्रिएट कॉपी, और यहाँ से एक न्यू बुक सिलेक्ट करके इसको एक नई फाइल में निकाल दिया। देखिए बुक टू में निकाल दिया, लेकिन नहीं मुझे इसी फाइल के मान लीजिए सीट थ्री के बाद कॉपी करना है, मतलब कि मुझे इसको इस तरह से कॉपी करना है और इसको सीट थ्री के बाद रख देना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सीट वन डॉट कॉपी, और यहाँ पे आपको आफ्टर या बिफोर होता है तो आफ्टर चाहिए, और यहाँ पे सीट्स, और इसके अंदर में हम अपना सीट का नेम दे देते हैं, उसके बाद कर देगा। लेकिन मान लीजिए कि मुझे बुक टू के, मैंने एक नया बुक टू ऐड किया हुआ है और उसके सबसे लास्ट में ऐड कर, तो बुक टू या बुक थ्री है, बुक थ्री है ना, वो बुक थ्री हमारा ओपन होना चाहिए, तो इसके आगे आप उस बुक थ्री का पाथ दे दीजिए कि बुक वर्क, और यहाँ पे बुक थ्री डॉट xlsm, तो उस पर्टिकुलर वर्कबुक के सबसे लास्ट पे चाहिए ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सीट्स डॉट कॉम। ओके, तो ये बुक थ्री के सबसे लास्ट में ऐड कर देगा। कॉपी समझ में आ गया? हाँ हाँ समझ में आ गया। आपको मूव करना है, कॉपी के बाद मूव होता है, जब हम कट करते हैं हम लोग, कॉपी की जगह पे आप मूव कर दीजिए, बाकी सब कुछ सेम होता है। ठीक है, ठीक है सर। और सपोज करिए सर कि हमें मिडिल में चाहिए, तो यहाँ पे दलील है, जिस सीट के बाद डालना है सीट का नाम डाल दीजिए काउंट की जगह पे, सीट डॉट काउंट की जगह पे, इसे ये जिसे मैंने किया ना सीट थ्री कर दिया था हमने, तो शीट का नाम दे दूंगा शीट डॉट शीट थ्री शीट फोर ऐसे करके दे दूंगा। यहाँ पे सीट्स के अंदर में जैसे मैं सीट मान लीजिए बीच में करना, बीच में मतलब क्या सीट टू के बाद करना मान लीजिए। हाँ
तो यहां पे जिस सीट के बात करना है उस सीट का नाम इन वर्ड फॉर्म में दे दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक। मूव एंड कॉपी करने आ गया। हाँ हमने सीट को रिनेम कर दिया, हमने सीट को डिलीट कर दिया, ऐड कर दिया, फिर उसको मूव एंड कॉपी कर लिया। अब हम बात करते हैं हाइड एंड अनहाइड की। हाइड एंड अनहाइड की बात करते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़े। अब बात करते हैं सीट वन को हाइड करना। हमें सीट वन डॉट हम यहां लिखते हैं विजुअल, विजुअल इक्वल टू, अब सीट हिडन कर दिया आपने, तो सीट हिडन का मतलब क्या हुआ कि वो राइट क्लिक करके सीट वन को हाइड कर देगा। ठीक है, तो कोई भी पर्सन इसको राइट क्लिक करेंगे वापस अनहाइड करेगा और उसको अनहाइड कर देगा। ये नहीं आया समझ में सर। सर यहाँ पे सीट वन डॉट विजुअल इक्वल टू सीट हिडन कर दिया ना, तो ये राइट क्लिक करेगा हाइड करेगा, नॉर्मल हाइड करेगा, जिसको अनहाइड करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूजर जो भी अनहाइड करना चाहेगा उसको अनहाइड कर लेगा सीट। तो नॉर्मल एक्स वन क्या मतलब है सर? आपका सीट वन डॉट विजुअल में यहाँ पे विजुअल इक्वल टू हम दे देते एक्सेल सीट वेरी हिडन, वेरी हिडन कर दिया ना सर, तो सीट हाइड हो जाएगी लेकिन और नॉर्मल अनहाइड नहीं होगी। अनहाइड करने के लिए आपको बीवीए के जरिए ही अनहाइड कर पाएंगे। आपको लिखना पड़ेगा सीट वन डॉट विजुअल इक्वल टू यहाँ पे विजुअल। हाइड दो तरीके से होता है, एक वेरी हाइड एक नॉर्मल हाइड। तो वेरी हाइड में क्या होगा सर? वो नॉर्मल हाइट नहीं होगा, तो फिर अब दोबारा देखना होगा तो कैसे करेंगे? ध्यान रखिए, अगर आपने इस कोड को अप्लाई किया तो नॉर्मल हिडन हुआ, ठीक है ना, तो वापस अनहाइड करने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए और अनहाइड कर लीजिए। इस कोड के जरिए कर सकते हैं आप, वीवीए के जरिए करना तो कोड लिखना पड़ेगा, बट हम विदाउट वीवीए भी कर सकते हैं अनहाइड। बात समझ में आया? कोड है ये आपको विदाउट वीवीए भी अनहाइड हो जाएगा और वीवीए कोड के जरिए भी अनहाइड हो जाएगा। ठीक है सर, मैं वो वेरी हिडन के उसके बारे में पूछ रहा हूँ। अगर आपने इसको वेरी हिडन कर दिया तो सिर्फ इस वीवीए कोड से अनहाइड होगा, बाहर नॉर्मल अनहाइड नहीं होगा। अच्छा ठीक, तो हाइड एंड हाइड करना सीख लिया हमने। अब बात करते हैं पासवर्ड डालने का, कि सीट वन डॉट प्रोटेक्ट और यहाँ पे स्पेस दीजिए। ये क्या करेगा, राइट क्लिक करेगा और सीट वन को प्रोटेक्ट कर देगा। यहाँ पे होता है ना सर, एक सेकंड रुकेंगे क्या? चार्जर लाना बोल गया लैपटॉप। ठीक ठीक
हाँ सर कंटिन्यू करें। ओके, तो जैसे कि राइट क्लिक किया और प्रोटेक्ट शीट कर दिया, ठीक है। अब प्रोटेक्ट शीट जब करते हैं, यहाँ बहुत सारे चेक बॉक्स है, आफ्टर प्रोटेक्शन यूजर क्या क्या कर सकता है। डिफॉल्ट सिलेक्ट लॉक अनलॉक सेल होता है, जैसे मान लीजिए करना है शॉर्टिंग, कि भाई यूजर शॉर्ट भी कर सके, तो VVA कोड में करेंगे ये सारे ऑप्शंस होते हैं। सर ये सारा आप मुझे मेल कर दीजिएगा क्या? क्या जो आज पढ़ाया आपने? जी कर दो। ओके सर। ये प्रोटेक्ट हो रहा है, एक बार दोबारा बता दीजिएगा सर। तो जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। जितने भी कोड आप देख रहे हैं ना सर, ये होता है सॉर्टिंग। मुझे मान लीजिए सॉर्टिंग अलाउ करना है, दिख रहा है आपको? हाँ। तो आपको करना है कॉमा 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 कॉमा, दिख रहा है सर? तो यहाँ पे मैं ट्रू कर दूंगा, तो क्या होगा, पासवर्ड डलेगा और सॉर्टिंग अलाउ रहेगा। पासवर्ड जब मैंने डाल प्रोटेक्ट कर दिया, तो इन फ्यूचर मुझे अनप्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। तो हम प्रोटेक्ट यहाँ पे पासवर्ड डाल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सीट का टैब कलर राइट क्लिक करके हम लोग टैब कलर करते हैं ना, तो टैब कलर करना हो यहाँ पे लिखेंगे सीट वन डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू वी रेल ग्रीन ब्लू, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं यहाँ पे टैब कलर का। टैब कलर मतलब कि जो बैकग्राउंड कलर होता है जी। भी यहाँ पे दो तरह के कलर डाल सकते हैं, सी डैश कलर इक्वल टू वीवी रेड, वीवी ग्रीन, वीवी ब्लू, वीवी व्हाइट, ऐसे कलर डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, सिलेक्टेड कलर देखिए आपको एक्सेल के अकॉर्डिंग कलर डालना है। मान लीजिए मुझे कलर एक्सेल में तो डालते हैं ना, एक कलर डालना है या फिर एक। अब एक कलर डायरेक्ट वीवी रेड ब्लूज नहीं डाल सकते, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा आरजीबी। तो आरजीबी के लिए पहले आपको आरजीबी का नंबर पता करना होगा। यहाँ इसमें जब क्लिक करेंगे मोर कलर में और यहाँ कस्टम पे दिख रहा है आपको सर 244 173 132 दिख गया आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू, आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू। कैसे डालेंगे? तो यहां डालेंगे आप सीट वन डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड, यहां पे आरजीबी आरजीबी 322 172 132, ठीक है। ओके सर। 322 नहीं होता, 255 नहीं होता, 222 होगा, 255 में ज्यादा नहीं होता है। तो कलर आप इस मेथड से भी डाल सकते हो और इस मेथड से भी डाल सकते हो। सीट पे हम क्या करते हैं, सीट पे एक्टिवेट करते हैं, सीट पे आते जाते हैं, सीट को ऐड करते हैं, सीट को रिडेम करते हैं, क्या यही करते हैं ना? हाँ हाँ। तो
ओके सर, इस सीट पे होने वाले सारे इवेंट्स हमें आपको बता दिए। अब एक कोड मैं आपको मेल कर देता हूं जिससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है? ईमेल आईडी क्या है आपकी? व्हाट्सएप पे ही चैट करेंगे जूम के ऊपर? ईमेल आईडी चैट करेंगे सचिन? कर दिया सर। प्रैक्टिस कीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, फिर हम कल इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट का काम करेंगे। सर जैसे कि आपने बताया टैब कलर, उसी तरह अपने फॉन्ट को भी तो कलर कर सकते हैं ना, जो टैब को कलर करते हैं उसी तरह फॉन्ट को भी तो कलर कर सकते हैं ना? जी वैसे ही करेंगे कलर। ठीक ठीक है। तो हमने दो ऑब्जेक्ट को स्टडी कर लिया वर्कबुक, अब सीट के ऊपर एक प्रोजेक्ट करेंगे, फिर हम बात करेंगे रेंज के ऊपर। रेंज या समझ जाइएगा, उसके बाद हम अपना माइक्रो अपना काम करना शुरू करेंगे, ठीक है? अभी हम काम नहीं कर सकते। ओके चलिए, थैंक यू थैंक यू सर।